ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, इसके इतिहास को भी लोग जानते हैं, लेकिन ताजमहल के बारे में आज भी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते। अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। पर सवाल यह उठता है कि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 ईस्वी में हुआ था, फिर शाहजहां का ताजमहल कैसे बना। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। पेस्ट का इस्तेमाल ताजमहल बनाने के लिए किया गया। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ों को मिक्स किया जाता था, फिर उसमें चूना का पानी मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता था। तरह से सेमी सॉलिड मटेरियल बनाकर ताजमहल को तैयार किया गया। तरह से ऐसी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें महलों को तैयार किया जाता था जो आज के समय में बहुत मजबूती से टिकी हुई है। इसके लिए हमें शेयर एंड सब्सक्राइब करें।